उत्तर प्रदेश की जनपद महोबा में एक दुर्दांत अपराधी राजू सिंह और अवनीन सिंह के ऊपर कई दर्जन हत्या, लूट, अपहरण जैसे मुकदमा पंजीकृत है। योगी सरकार में कौन मदद कर रहा है कि अपराधी खुलेआम घूम रहा है? पूर्व की सरकारों में भी संरक्षण प्राप्त रहा है जिनके पास शस्त्रों का भंडार है। राजू सिंह उर्फ अवनेन्द्र सिंह के पास रिवाल्वर जो गलत तरीके से बनाया गया, 420 का मुकदमा पंजीकृत। दूसरा, सशस्त्र दुनाली पत्नी रमा सिंह के पास जो हत्या के मुकदमे में विचाराधीन है, लाइसेंस रिवाल्वर राइफल दोनाली पुत्र रुद्र प्रताप सिंह के पास M30 कार वाइन सशस्त्र है जिसका लाइसेंस जिला प्रशासन निर्गत नहीं कर सकता किंतु किया गया है जो भारत सरकार द्वारा निषेध है। ऐसे अपराधी पर जिला प्रशासन की नजर क्यों नहीं है? जिला प्रशासन इन पर क्यों मेहरबान है? छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ कर अपनी फीट थपथपा रहे हैं, बड़ों की चर्चा भी नहीं है। पूर्व की सरकारें और अब योगी सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? किसका भय, किसका संरक्षण प्राप्त है राजू सिंह जैसे अपराधियों को? आप देखना यह है कि योगी सरकार साक्ष्य के तहत क्या कार्रवाई सुनिश्चित करती है या पूर्व की सरकारों की भांति मूक रहती है। इतने बड़े अपराधी के पास इतने शस्त्र, लाइसेंस कैसे? यह एक संवेदनशील विषय है जिस पर जिला प्रशासन की नजर कभी नहीं पहुँचती, सिर्फ ढकोसला योगी सरकार को गुमराह करता है। जिला प्रशासन महोबा में बड़े अपराधियों को बचाया जा रहा है और छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर वाह वाही लूटी जा रही है। अखंड भारत न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा।